हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नई और मज़ेदार वीडियो। दोस्तों, बॉलीवुड में काम मिलना, लीड रोल मिलना जितना मुश्किल है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है अपना नाम हमेशा के लिए टॉप पर बरकरार रखना। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं कुछ एक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने बॉलीवुड में एंट्री तो ले ली मगर अपने खराब नसीब की वजह से या फिर अपनी कुछ मूर्खता की वजह से बहुत ही कम समय में उनका करियर खत्म हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के साथ। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर आती है 2004 में टार्जन द अंडरकार मूवीज से अपना डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस आयशा टाकिया। दोस्तों, आयशा टाकिया का करियर बहुत ही अच्छे तरह से चल रहा था और उनको एक से बढ़िया एक मूवीज में रोल भी मिल रहा था मगर अपनी मूर्खता की वजह से उन्होंने अपनी लिप्स की सर्जरी करवा ली और उसके बाद उनका चेहरा पूरी तरह से बदल गया और उसके बाद उन्हें कोई भी काम मिलना बंद हो गया और उसके बाद धीरे धीरे वो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी इनएक्टिव होने लगी। उसकी वजह से उनका बॉलीवुड का करियर बहुत ही कम उम्र में ही बंद हो गया। दोस्तों, हमारी लिस्ट में चौथे पायदान पर आती है अमृता राव। दोस्तों, अमृता राव अपने समय की एक बहुत ही बढ़िया एक्ट्रेस थी और उन्होंने कई ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवीज़ में काम किया था जैसे विवाह, मैं हूँ ना, इश्क बेश्क और उन्हें बहुत सारी मूवीज़ भी ऑफर हो रही थी मगर 2014 में वो आरजे अनमोल से शादी कर दिए और बाद में अपने फैमिली को टाइम देने के चलते वो उनका ध्यान बॉलीवुड से हट जाता है और उसके बाद में उनको बॉलीवुड में कुछ खास मूवीज़ नहीं मिल पाती। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर आती है साउथ इंडियन एक्ट्रेस जिसने रेडी मूवीज से अपना बॉलीवुड में डेब्यू किया था और एकलौती मूवी करके ही उनका करियर बंद खत्म हो गया। दोस्तों, असीन का करियर बहुत ही अच्छे तरह से चल रहा था मगर 2016 में वो बिजनेसमैन राहुल शर्मा से शादी करती है और उसके बाद अचानक से बॉलीवुड से वो गायब ही हो जाती है और वो कोई भी फिल्म नहीं करती। तो हमारी लिस्ट में अगले नंबर पर है हाल ही में पॉर्न वीडियोज के शूटिंग की वजह से जेल में जाने वाले बिजनेसमैन राज कुंद्रा की वाइफ शिल्पा शेट्टी। दोस्तों, शिल्पा शेट्टी ने अपने करियर के पीक पे होने के बावजूद भी अपने बच्चों के लिए अपना करियर को थोड़े देर के लिए साइड में कर दिया था मगर जब वो अपने बच्चों को सवार कर जब बॉलीवुड में फिर से वापस आई मगर इस बार उनको उनके लिए कोई भी काम नहीं बचा था और उन्हें काम मिलना बंद हो गया था तो इसलिए अब वो शो में अपना हाथ आजमा रही है। तो इस लिस्ट में सबसे ऊपरी स्थान पर आती है मैंने प्यार किया मूवी की एक्ट्रेस भाग्यश्री पटवर्धन। दोस्तों, मैंने प्यार किया मूवी एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी थी। उस मूवी की वजह से भाग्यश्री पटवर्धन का करियर एकदम बूस्ट ले सकता था मगर उन्होंने अपने एक मूर्खता की वजह से अपना करियर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। दोस्तों, उन्होंने सारे प्रोड्यूसर से कहा कि मैंने प्यार किया मूवी के बाद वो सिर्फ उन्हीं मूवीज में रोल करेगी जिस मूवी में उनका पति उनका हीरो हो तो इस वजह से उनको भी कोई काम नहीं मिला और उनका करियर भी बहुत ही जल्द खत्म हो गया। गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।